ये उन दिनों की बात है। ये क्या, इसकी स्लीव तो कितनी लूज है। प्रीति बेटा देखो ना, आपने इसकी भी सिलाई बहुत गलत की है, और इसमें तो माजरी वाला कट ही नहीं है जैसा उसने दिल में पहना था। और मैंने भी आपको कहा था ना, मुझे वो चांदनी के डिजाइन वाला ब्लाउज चाहिए, मुझे वो माधुरी वाला कट ही चाहिए, और मुझे भी चांदनी वाला डिजाइन ही चाहिए। चाचा उस फेयरवेल में सब लड़कियां साड़ी पहनकर आने वाली हैं, अब इसमें हमारा ब्लाउज थोड़ा तो अलग दिखना चाहिए ना। हाँ, अरे एक ही दिन में माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी दोनों की स्टाइल वाला ब्लाउज कैसे बनेगा। अब बहन जी आप ही समझाइए ना, टाइम लगता है उसमें। लेकिन एकदम चुप, बरबर बरबर भगवान झूठ ना बुलाए, तुम लोग किसी स्कूल के फेयरवेल में जा रहे हो कि किसी फिल्म की शूटिंग में। हाँ, और एक के दिमाग में माधुरी घुसी पड़ी और एक के श्रीदेवी। बहुत अच्छा बना है, बस थोड़ा और ठीक कर दीजिए। हाँ जी, नहीं, 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 मम्मी मैं ऐसी सिंपल सी डिजाइन वाला ब्लाउज पहन कर नहीं जाऊंगी। हाँ चाची जी, अरे आपको पता है वहाँ फेयरवेल में ना सब लोग एक से बढ़कर एक डिजाइन वाले ब्लाउज पहनेंगे, और हम दोनों एकदम सिंपल। नहीं अच्छा चाचा जी, अगर आप एक दिन में माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी वाला डिजाइन नहीं बना सकते, तो आप वो क्यूएस क्यूटी वाला जैसे जूही चावला ने पहना है वैसा तो बना सकते हो ना, वो वाला बना दो। एक मिनट भाई साहब, ये क्यूएस क्यूटी क्या होता है? कयामत से कयामत तक मम्मी उसे ही क्यूएस क्यूटी कहते हैं। उन दिनों ही ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, फिल्मों के नाम को छोटा करके बोलना, क्योंकि फिर से फिल्मों के लंबे टाइटल्स रखने का दौर आ गया था। तो कयामत से कयामत तक बन गई थी क्यूएस क्यूटी। जैसे MPK यानी मैंने प्यार किया, और यही नहीं आगे आने वाली फिल्में भी, जैसे HAHK यानी हम आपके हैं कौन, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे बन गई, हाँ TDLJ। यार इस कोट में तो मैं आमिर खान लग रहा हूँ, और मैं संजय दत्त, लेकिन ये टाई बांधनी नहीं आ रही है, और अगर टाई कोट पे ना हो तो कोट का मजा ही क्या है। अबे समीर को टाई बांधनी आती है। हाँ? समीर तू सिखा देना यार, तेरे लिए हमने तंबू गाड़े, तो मैं टाई बांधनी तो सिखाएगा ही है ना। हाँ ठीक है मैं सिखा दूंगा, पर लेकिन पहले ट्राई तो करो एक बार। अरे यार कैसे, आज बिजली गिरा दूंगा मैं, इतना हैंडसम लगना है मुझे, ना कोई मेरे आगे टिक पाए और ना कोई मेरे आगे दिख पाए, तहलका मच जाए, और जब फेयरवेल में जाऊं तो सब मुझे ही देखते रह जाएं। चक्कर क्या मुन्ना? चक्कर घंटे के बन गया हूं मैं, जब से तेरी और नैना की लव स्टोरी देखी है। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी दिल है, जो प्यार में धड़कता भी है और फड़कता भी है। ओहो, तो हमारे मुन्ना बाबू को प्यार हो गया, तो मेरे कबूतर उस चिड़िया का नाम बता दे। मुझको है बहुत भाती, तेरी भाभी का नाम है स्वाति, और आज चाहे कुछ भी हो जाए आई लव यू तो बोल के रहूंगा। आई लव यू कहेगा? हाँ। सच? क्या बात है मुन्ना, आज ना मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। अब इसको क्या हो रहा है, रो क्यों रहा है? यार यार, अरे तू बेटा तू क्यों रो रहा है? रोना तो उसे चाहिए जिससे तुझको प्यार हुआ है। एक मिनट, तू कहीं हो मेरी पंडित के पीछे लट्टू तो नहीं है? नहीं, यार प्यार तो कोई और है। तो वो कोई और कौन है? सीनियर है यार, मगर प्यार सीनियर जूनियर थोड़ी ना देखता है, मुझे तो उसे देखते ही बस प्यार हो गया था, बस आई लव यू कहने की हिम्मत नहीं हुई। और अब फेयरवेल है, वो 12th में पढ़ती है और स्कूल छोड़ के भी जा रही है। पंडित रोके कोई फायदा नहीं, देख वो जाने वाली है लेकिन गई नहीं है, तो तेरे पास बहुत अच्छा मौका है, फेयरवेल में अपनी दिल की बात बोल दे उसको। पक्का? लेकिन अगर वो बड़ा थी तो रो क्यों रहा है? कह दे हम तुझे नहीं जानते। अरे मेरे मासूम बालक चिंता मत कर, हम तेरे दोस्त हैं, तेरी मोहब्बत के लिए जान भी दे देंगे। अच्छा उसका नाम क्या है? अडानी। कहाँ रहती है? पता नहीं, बस उससे एक बार कैंटीन में मिला था, जहां मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? समोसे की कुर्बानी। हम दोनों कैंटीन में थे और हमारे सामने एक अकेला आखिरी बचा हुआ समोसा। मैं कभी उसे देखूं, कभी समोसे को देखूं, और तब जिंदगी में पहली बार
मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के समोसे की कुर्बानी दे दी। तू उसे कभी मिला नहीं? नहीं, बस दूर से खड़ा देखता रहा, पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। जो लगा था मेरे समोसे की कुर्बानी देख के वो इंप्रेस हो जाएगी और मेरी बात जम जाएगी। महबूब मेरा मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब, मेरी अनजानी ख्वाहिश है मेरा महबूब, सरगोशियां चुपके करे। नहीं ये सही नहीं है, कोई अच्छा सा सूट दिखाओ बच्चे के लिए। हाँ राकेश जी, ये देखिए सारे सूट हैं। हाँ ये वाला कितने का है? राकेश जी कीमत का क्या करना? क्यों, सूट के पैसे क्या आप भरेंगे? अरे आप तो नाराज हो गए, मेरे कहने का मतलब है अब आपके पास पैसे की कहाँ कमी है? क्यों भाई, मेरे यहाँ क्या पैसों का झाड़ लगा हुआ है? हाँ हिलाऊंगा और पैसे टपक जाएंगे। अरे सूट की कीमत बताइए आप। 1000 रुपया है। क्या 1000 रुपए? अरे राकेश जी आप चौंक क्यों रहे हैं? अब तो आप चमचमाती कार वाले हो गए हैं, और चमचमाती कार में सस्ता सूट पहन के अर्जुन बेटा बैठेगा क्या? वो तो है, आखिर क्रिकेट का चैंपियन है मेरा बेटा और स्कूल का हेड बॉय भी है, सबसे अलग तो उसे दिखना ही चाहिए। लेकिन देखिए पैसे तो कब करने ही पड़ेंगे। अरे कल को इंडियन टीम के लिए खेलेगा ये तो सब यही कहेंगे ना, गिरदारी सेठ की दुकान का सूट पहनता था क्रिकेटर अर्जुन। सूट ट्रैकल बेटा, अर्जुन बेटा ये चेक करो, देखो कैसा है? नहीं पापा कोई और देखते हैं। हाँ, दूसरा देखो। ठीक है ये चेक करो, लो ये तो हो ही जाएगा। कैसा है? कोई दूसरा दिखाइए ना अच्छे वाला। अरे हाथ धो गई, एक सूट फाइनल करने में इतना समय लगा रहे हो, फटाफट फाइनल करो नहीं तो सफारी सूट पहना के फेयरवेल में भेज दूंगा। सफारी सूट? क्यों, क्या खराबी है सफारी सूट में? हाँ तुम्हारा बाप पहन सकता है, तुम नहीं पहन सकते? नहीं नहीं पापा बस अभी जल्दी से फाइनल कर लेता हूँ। राजा जी ये एक मिनट, ये लास्ट देखिए ले बेटा, ये हो भी जाएगा और तुम्हें जमेगा भी। कैसा है? हाँ पापा ये वाला अच्छा है। जस भी रहे हो तुम इसमें। हाँ भाई क्या हो रहा है? ये कपड़े क्यों फैला के रखे हैं? नाना जी फेवेल की तैयारी, पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं और मुन्ना पंडित क्या पहने। हाँ नाना जी ये अच्छा है, सुबह से जितने भी सूट ट्राई कर रहा हूँ सब में मैं आमिर खान ही लग रहा हूँ, तो समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा सूट पहनूं। नाना जी मैं बताऊं, मुन्ना लाल ये तेरे लिए, पंडित हाँ फर्स्ट क्लास आप पर ये जचेगा, जरा पहन के देखिए, चलिए पहनो। ए ये क्या कर रहे हो? पहन रहा हूँ। अबे बेशरम, दूसरे कमरे में जा चेंज कर, चल आज पंडित फटाक से। ओ भाई चलो जा, शाबाश। बेटा तेरे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज?
ये साड़ी, ये तेरे लिए। नाना जी, स्कूल का फेयरवेल है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है। अबे अक्कल का दुश्मन, ये साड़ी तेरे लिए नहीं है तो ये साड़ी नैना के लिए है। नैना के लिए? हाँ बेटा, ये कोई ऐसी वैसी साड़ी नहीं है, खास साड़ी है, तेरी नानी की साड़ी है। नानी की साड़ी? हाँ, जब पहली बार मैंने उसे देखा था ना, तो उसने यही साड़ी पहनी थी और उसकी इच्छा थी कि मैं ये साड़ी तेरी होने वाली दुल्हन को दूँ। तो ये साड़ी तू नैना को देना और उसे कहना कि ये साड़ी महज एक साड़ी नहीं है, ये एक आशीर्वाद है मेरा और तेरी नानी का। दे देना उसे। थैंक यू नाना जी। नहीं नहीं बेटा, थैंक यू क्या जरूरत है, बस मेरा एक छोटा सा काम है, कर देगा। क्या काम नाना जी? देख, तेरी 11वीं की पढ़ाई खत्म हो रही है ना, तो मैं चाहता हूँ कि तू शनिवार और रविवार को फैक्ट्री आए और ऑफिस का काम संभाले। नाना जी, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी है, देख जिंदगी का कोई कोई भरोसा नहीं। मैं चाहता हूँ कि तू ऑफिस आए, जिन लोगों के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं उन्हें मिले, उन्हें जाने और हमारा बिजनेस किस मुकाम पर पहुंचा है वो देखे। ये छोटा सा काम है, तू छोटा तो नहीं है ना? नाना जी, मैं अभी छोटा ही हूँ, बड़ा नहीं हुआ, और मैं हमेशा आपका छोटा सा प्यारा सा समीर बन के रहना चाहता हूँ, प्लीज नाना जी। मेरा छोटा सा प्यारा सा समीर, वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन बेटा बिजनेस भी जरूरी है ना? खैर छोड़, ये सब बातें बाद में करते हैं। ये साड़ी देना, देना जी। गुड। हेलो महेश चाचा, ब्लाउज बन गए, हम आ जाएं लेने? क्या चाचा, अभी तक नहीं बने, आप कब बनाओगे? हम कब ट्राई करेंगे? और अगर सिलाई में कुछ गड़बड़ हुई तो? नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है चाचा, चाचा आप जल्दी से बनाओ, मैं आपको थोड़ी देर में फोन कर रही हूँ। यार नहीं रेडी हुए ना कि महेश चाचा भी ना, पता नहीं इतना सारा काम क्यों ले लेते जब बना कर नहीं दे सकते। अगर ब्लाउज रेडी नहीं हुए ना तो देखा मैं क्या करती हूँ। हाँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। ओ भाई, किस पे गुस्सा आ रहा है? वो ताई जी, कुछ नहीं, वो ऐसे ऐसे। ओ भाई, ये लड़की बिल्कुल अपने बाप पे गई है, कहीं भी कभी भी किसी पर भी अपना गुस्सा निकाल देती है। अब यानी दीजिए ना भाभी जी, राकेश भाई साहब के बारे में क्या बात करना? मैं बुरी हूँ ना? भगवान झूठ ना बोले, भाभी जब सच बोलते हुए कितनी अच्छी लगती है। बेला, क्या मतलब है तेरे कहने का? मैं सच्ची भी बोली हूँ? अब नहीं नहीं भाभी जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी ने सच्ची कहा है ना कि ऐसे बिना कारण किसी पे भी गुस्सा नहीं हुआ करते। सब दिखाई दे रहा है बेला, तू बहुत चालाक होती जा रही है। अब भगवान झूठ ना बुलाए, आपकी देवरानी हूँ, सब कुछ आपसे ही तो सीखा है। बस कर, देवरानी जिठानी, पहले जैसे देवरानी नहीं रही तू, जो अपनी जिठानी की इज्जत करे। अरे छोड़ो ये सब, मैं ये कहने आई थी, वो बात ध्यान से सुनो। कल रात मेरे सपने में कुलदेवी आई थी, कहने लगी बीना, 2 साल हो गए तुम बच्चों को लेके गांव दर्शन करने ही नहीं आई। वैसे भी बेटी की शादी के बाद कुलदेवी के दर्शन करने जाते हैं, तो हमें भी जाना होगा। तो मैंने सोचा कि कल हम लोग चलते हैं कुलदेवी के दर्शन करने के लिए 2 दिन गांव, और बच्चे भी इतने सालों से गांव नहीं गए हैं। मैंने उनसे कह के टिकट का इंतजाम भी करवा दिया है।
हाँ कल। क्यों ऐसे चौंक क्यों गई? कोई लड़के वाले देखने आने वाले हैं क्या तुझे? वो ताई जी कल फेयरवेल है ना, तो ओ भाई ये फेयरवेल वेयरवेल ये ज्यादा जरूरी है कुलदेवी के दर्शन से है? कान खोल के सुन लो और दिमाग खोल के समझ लो, कोई कहीं नहीं जा रहा। कल शाम को हम सब लोग गांव जाएंगे बस। हाँ ताई जी, पर हम गांव तो शाम को जा रहे हैं ना, और हमारी फेयरवेल तो दिन की है, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। भाभी जी मैं क्या कह रही थी, अर्जुन सही तो कह रहा है, तो जाने देते हैं ना बच्चों को। बस तुम और तुम्हारे पति बच्चों को बिगाड़ो, चढ़ाओ सर पे, पछताओगे बाद में, रोओगे। ठीक है जो मन में आए वो करो, लेकिन शाम से पहले घर वापस आ जाना। हाँ। चलो जी, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले ही आ गए। यहाँ मैं दो पल के लिए समीर से जुदा नहीं रह सकती थी, और वहाँ ताई जी दो दिन के लिए हम सबको लेकर गांव जा रही थी। अब उन्हें कैसे बताती कि ये दो दिन बिना समीर के मेरे लिए दो सदियों जैसे बीतेंगे। अब जुदाई का दर्द आज के बच्चे नहीं समझ सकते, क्योंकि सोशल मीडिया जुदा होने ही नहीं देता। ला। नैना, शेफाली तुझे अपने घर बुला रही है तुरंत। क्यों? पता नहीं, बस उसने कहा कि नैना को तुरंत भेज दे। तू जा जल्दी। नैना इधर आ। तुझे पता है अंदर वाले रूम में कोई है। क्या तूने मुझे क्यों बुलाया? भैया चाचा जी इनमें से किसी को बुलाना चाहिए था। रुक, शायद ना मैं उसको जानती हूँ। हाँ तू एक काम करना, तू मेरी हेल्प कर, तू अंदर चल, मैं अभी आती हूँ। चोर हुआ तू शेफाली? नहीं चोर नहीं है। तू रुक तो सही। ये क्या कर रही तुम? सॉरी। बस तुम यहाँ पे? तुम जहाँ मैं वहाँ। पता नहीं पर मुझे लगा कि तुम मुझे मिस कर रही थी। कर रही थी क्या? नहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। समीर यहाँ पे ऐसे कैसे आएगा? सपना नहीं हूँ मैं, हकीकत हूँ मैं। है कोई जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। है कोई जिसने मेरी रातों की नींद चैन सब चुरा लिया है। है कोई मैं चाहता हूँ कि वो ये साड़ी पहने। कोई कौन है? है कोई एक बहुत सुंदर सी लड़की, और उसका नाम पता है क्या? उसका नाम है रीना। क्या कहा? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक में भी कभी किसी और का नाम मत लेना। इतना प्यार करती हूँ मुझसे?
यहाँ पर? तुम्हें कोई काम था क्या? वो नैना को बुलाया था ना तुमने, है क्या वो यहाँ? क्या है ना, ताई जी उसे बुला रही है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.